गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बाराबंकी इंग्लिश कोचिंग पे। दोस्तों फटाफट सब लोग लाइव हो जाएं, फिर इसके आगे जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे इसके आगे आज फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फटाफट सब लोग जुड़िए और लोगों को बताइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ भाई, तो फटाफट जुड़िए दोस्तों। देखिए, जैसे कल हम लोग कमीशन और एजेंट वाले सवाल कर रहे थे, ठीक है, तो उन्हीं सवालों पे आगे चर्चा करेंगे आपके साथ। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर आप लोगों को जो सवाल पूछना है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर भाई? तो फटाफट सबको जोड़िए और फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। जो लोग आ चुके हैं वो इस सवाल को लगाए और आंसर करें। ठीक है, देखिए सवाल है, अ सेल्समैन इज अलाउड 7.5% कमीशन ऑन द सेल मेड बाय हिम अप टू ₹12,000 एंड एडिशनल बोनस ऑफ 1.5% ऑन द सेल मेड ओवर ₹12,000 इफ हिज टोटल अर्निंग इज ₹4,185, फाइंड द टोटल सेल मेड बाय हिम। एक विक्रेता को ₹12,000 तक की बिक्री पर 7.5% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1.5% कमीशन ज्यादा मिलता है। ठीक है, या 1.5% कमीशन ज्यादा, या इसको समझ लो 1.5% बोनस। ठीक है, कमीशन ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसको समझ लो आप ये बोनस मिलता है। ठीक है, यदि उसकी कुल कमाई इतने रुपए है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री। चलिए भाई फटाफट बताएं। और फटाफट बताएं भाई सब लोग, जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं उनको याद होगा कि ऐसे सवाल कल हमने कराए थे। ठीक है, तो आंसर करें आप लोग फटाफट। देखते किसका किसका आंसर आ गया और फटाफट लोगों को जोड़ते रहिए भाई। जोड़िए भाई, बताते रहिए, आंसर भी बताते रहे भाई सब लोग। जो लोग आ चुके हैं वो आंसर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। सबसे पहले तो ये बताया आप लोग, आवाज वगैरह सब कुछ प्रॉपर वे में मिल रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए भाई बताएं। अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं आया। सबसे पहले तो सब लोग भाई फटाफट, जो लोग आ चुके हैं बता दें कि आप लोगों को आवाज वगैरह सब कुछ प्रॉपर वे में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे इस क्वेश्चन को करें। और जो लोग आ गए हैं वो क्वेश्चन को लगाते रहें फटाफट। इतना टफ सवाल नहीं था भाई कि आप लोग आंसर ना कर सकें इसका। ठीक है, चलिए भाई तो आंसर करें भाई। अभी तक आंसर आने लगे भाई, चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आया। तो
आपने एंटर किया है भाई। हाँ देखिए, सबसे पहले तो देख लो, सचिन वर्मा, अमित कृष्णा, मुकुल खान, शैलेन सिंह, सालवी सिंह, सरिता वर्मा, गुंजन शर्मा, पापा की श्रेणी, अमन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए मुकुल ने सबसे पहले आंसर किया है, और उसके बाद पारुल ने, सुनील ने, पापा की श्रेणी में किया। चलिए तो और लोग भी आंसर करते रहे फटाफट, देखा जाए। देखिए इस सवाल में हमने क्या आपको बताया था, कुछ खास नहीं था, ठीक। हमने कहा था कि आपको बस ये देखना है कि ये जो कहानी बनाई जा रही है ये 12,000 रुपये, ठीक, इस तक कमीशन पहले दे रहा था 7.5, ठीक है, और अभी कह रहा है कि अब जो है एडिशनल बोनस ऑफ 1.5% ऑन सेल मेड ओवर, मतलब कि अब यहाँ पर 1.5% बोनस भी मिल रहा है, मतलब ये कमीशन तो मिल भी करेगा प्लस 1.5% और मिलेगा, तो वो 1.5% मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 9%, ठीक। तो यहाँ से यहाँ कितना परसेंट बढ़ रहा है उसका कमीशन, 1.5%, ठीक है। अगर हम इस पे 1.5% बढ़ा दें, ठीक है, 1.5%, ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो हटाया, परसेंट से 2 0, 15 बराबर 180, ठीक है, यानी 180 रुपये उसका कमीशन और बढ़ जाएगा। अगर 180 रुपये कमीशन बढ़ जाएगा तो उसकी जो कमाई थी 4,185 रुपये, ठीक है, इसमें 180 रुपये और ऐड हो जाएंगे, यानी कि अब जो इनकम होगी उसकी प्लस 180 और जुड़ जाएगा, तो 5, 8, 8, 16, 6, 1, 2, 3, ये 4,365, ठीक, टोटल कमाई हो जाएगी 4,365, और प्रतिशत में कितनी हो जाएगी, 9%, ठीक है, क्योंकि अब हमने जब ये 1.5% का कमीशन बढ़ा दिया, यानी कि उसकी टोटल सेलिंग पे जो कमीशन हुआ वो 9% हुआ, ठीक है, ये बराबर दिया है 4,365, तो आपको 100% बराबर निकालना, ठीक है, 4,365 × 100 अपॉन 9, ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा, 9 4 36 4 3 7, 9 78, ठीक है, 9 5 45, यानी कि 48,500 आपका आंसर है, ठीक है भाई। तो देखिए 48,500 आंसर था सबने दिया, सुनील कुमार, अनुज सिंह, पारुल मिश्रा, वेरी गुड मॉर्निंग, अमन वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, सबका आंसर सही था, सीमांशी जायसवाल वेरी गुड मॉर्निंग, अभिषेक शर्मा हेलो हेलो अभिषेक, ठीक है, तो देखिए इस तरह से सबका आंसर सही था। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है, कुछ ऐसे ही है सवाल जैसा कि अभी हम लोगों ने किया, देख लीजिए भाई, ये कह रहा है एक विक्रेता को 20,000 तक की बिक्री पर 9.5% कमीशन मिलता है तथा इससे अधिक बिक्री पर 0.7% कमीशन ज्यादा मिलता है, ज्यादा का मतलब बोनस मिलता है, यदि उसकी कुल कमाई 6,170 रुपये है तो ज्ञात करें उसने कुल कितनी बिक्री, ठीक है, A salesman is allowed 9.25% commission on the sale made by him up to ₹20,000 and additional bonus of 0.75% on sale made over ₹20,000. If his total earning is 6,170, find the total sale made by him. चलिए बताएं भाई फटाफट आंसर बताएं, देखते हैं कौन बता सकता है। राज ठाकुर वेरी गुड मॉर्निंग, गरिमा वर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, शिखर शुक्ला गुड मॉर्निंग, हाँ भाई बताएं फटाफट आंसर बताइए सवाल, देखिए बेहतरीन सवाल है। शिखर शुक्ला ने बताया बी ऑप्शन, शिखर शुक्ला ने बताया बी ऑप्शन, चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बहुत कुछ रह नहीं गया इस सवाल में, ठीक है,
बहुत कुछ रह नहीं गया। देखिए ये जो था आपका 20,000, ठीक। अब देखो डायरेक्ट करना कैसे सीखते हैं। 20,000 था, इस पे उसने बढ़ाया कितना है, एडिशनल कितना मिल रहा है, कहोगे आप भाई 0.75% एडिशनल मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से 2-0, इससे 2-0 खत्म, 75 × 150, यानी 150 रुपये ज्यादा, ठीक है। कब से 9.25% था, और इसमें परसेंट में कितना ज्यादा हो गया, 0.75, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो गया आपका, क्या हो गया, 10%, ठीक है। अब जो उसका इनकम थी 6,170 रुपये, 150 और बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई, 0, 7, 5, 12 के 2, 1, 1, 2 और 1, 3, 6 और ठीक। परसेंट में कितना हो गया भाई, ये 10%, यानी 10% कमीशन आपका बराबर इसके है। तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो क्या होगा, 63,200, ये आपका आंसर हो जाएगा इतने रुपये, ठीक है, 63,200, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। देखिए सिर्फ एक लोगों का सही आंसर आया है अभी तक, गुंजन शर्मा, गुंजन शर्मा ने सही आंसर किया है, ठीक है। विपिन वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग, एजी सीयू क्लासेस, गुड मॉर्निंग सर, शिवम श्रीवास्तव, चलिए आंसर सही है शिवम जी, बाकी बता रहे हैं आशीष, डी डी डी, बिल्कुल डी भी सही है। चलिए भाई, तो देखिए आप लोगों को कुछ करना नहीं होता है, एक बार आप समझ लो, फिर से अगर कहो तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा फिर से बता दिया जाए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, उस पर अगर आप लोग को जरूरत हो तो कमेंट के थ्रू बताएं और आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए एकदम। ये इसको सब ऐसा कर देना है कि इस तरह का कहीं भी सवाल मिले फटाफट हो जाए, ठीक है सर, रिपीट कर दीजिए, पारुल मिश्रा ने बताया, सचिन सिंह। चलिए देखिए अगला सवाल आपका इसी तरीके का कुछ आया है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बस समझ लीजिए रिपीट ही हो गया, ठीक है। और देखते हैं भाई, ठीक है, कह रहा है एक कंपनी ने अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर, चलिए तो दूसरा सवाल हो गया, पिछला वाला एक बार फिर से कहा गया बता दें, तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल एक बार फिर से देख लीजिए, फिर दूसरा थोड़ा सा चेंज है वाला सवाल, फिर इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा है एक विक्रेता को 20,000 रुपये तक की बिक्री पर 9.25% कमीशन है, तथा इससे ऊपर की बिक्री, मतलब 20,000 से जो ऊपर बिक्री जितनी भी करेगा उस पे इसको इतने प्रतिशत का एडिशनल कमीशन, एडिशनल कमीशन या समझ लो कि इतने प्रतिशत का बोनस है, ठीक है। यदि उसकी कुल कमाई, कुल कमाई का मतलब जो भी बेचा उस पे जितना कमीशन टोटल लिया है वो आपका दिया है 6,170, ठीक। तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की, याद करिए कि उसने कुल कितनी बिक्री, ये बताना, ठीक है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, देखिए और लोग जुड़ रहे हैं, विपिन, संध्या चौबे, गुंजन शर्मा, सर मैं बिहार से हूँ और आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन शर्मा जी, बिहार से भी लोग देख रहे हैं हमें, अच्छा लगा मुझे जान करके, और आप लोग का प्यार अगर इसी तरह से मिलता रहा तो हम निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा और नया करते रहेंगे। आदर्श कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रियांशु मिश्रा फैन सर, नमस्ते नमस्ते, शेर सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए भाई तो देखते हैं का ये आपका सवाल में, एक्चुअली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखिए सब लोग समझ लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से सब लोग समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे फिर इस सवाल को लगाइए, ठीक है। देखिए अगर हम कहें, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों, अगर हम कहें कि हमारे पास रुपए कुछ है 15,000 रुपये, अगर मेरे पास 15,000 रुपये है और इस पे मैंने 5% कमीशन की बात करी, और एक हमारे पास 20,000 रुपये है, ठीक है, इस पे हमने 5% कमीशन की,
ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि 15,000 पे हमने 5% कमीशन लिया और 20,000 पे भी 5% कमीशन लिया। तो अगर हम 15,000 पे 5% कमीशन लेते हैं तो दोस्तों कितना कमीशन मिलेगा? तो आप कहोगे परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 15 × 5 = 75 और ये 0, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि 20,000 पे 5% कमीशन, तो इस पे 5% कमीशन या परसेंट से 2 जीरो खत्म और 5 × 2 = 10, 1,000 रुपए कमीशन यहाँ हो गया। अब हम कहें इन दोनों को ऐड कर ले, 15,000 और 20,000, तो टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा? 35,000 हो जाएगा। और इस पे 5% कमीशन लें तो कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो खत्म, 5 × 5 = 25 और 5 × 15 और 1 = 17, कितना आएगा? 1750। अब इस टोटल कमीशन को जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 1750 ही आएगा। इसका मतलब है कि सीधी सी बात ये बन रही है यहाँ पर कि अगर अलग अलग धनराशियों पे कमीशन रेट बराबर है, क्या है, अलग अलग धनराशियों पे यदि कमीशन रेट बराबर है तो आप एक बात समझ लो कि उनपे अलग अलग हम कमीशन निकालें, चाहे तो उनको एक साथ ऐड करके टोटल पे कमीशन निकालें, टोटल कमीशन कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब मान लीजिए इसी सवाल में, ठीक है, मान लीजिए इसी सवाल में आपको दिया जाता कि वो कहता कि 15,000 तक पे उसे 5% कमीशन मिलता है, ठीक है, और इससे ऊपर की बिक्री पे, इससे ऊपर जो भी बची बिक्री है उस पे आपका 5% कमीशन मिलता है, और कह दिया जाए कि कुल 1750 रुपए कमीशन है, तो इस एक्स का मान बताना, टोटल कमीशन 1750 रुपए है तो इस एक्स का मान बताना, ठीक है। और देखते हैं भाई, तो इसमें हमने कहा देखो यहाँ भी 5% कमीशन, यहाँ भी 5% कमीशन, तो इसका मतलब हमारा ये हो गया कि टोटल पे हमने कमीशन कितना लिया है, टोटल आपका 100% था जिसपे हमने कमीशन कितना लिया, 5%, और जब परसेंट में 5 लिया तो एक्चुअल में कितना लिया, 1750 रुपए, जब परसेंट में 5 लिया तो एक्चुअल में कितना लिया, 1750 रुपए, ठीक है। तो यहां से अगर आप अब 100% निकाल दें, दोनों ये दोनों परसेंट और रुपए में कमीशन पर सेम था तो उसको सेम बराबर कर लिया हमने, और यहां से अगर 100% आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, 5 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25, ये आ जाएगा आपका 35,000, कितना आ जाएगा, 35,000, ठीक। अब ये जो 35,000 आया है इसमें एक्स का मान पूछा है और 15,000 ऊपर था, ये टोटल क्या था, 35,000, 15,000 प्लस एक्स, यानी कि इस 35,000 से अगर आप 15,000 माइनस कर दें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या टोटल बिक्री पूछा होता तो टोटल 35,000 ही आ गई, तो ये बराबर कितना आ जाएगा आपका, 20,000 दोस्तों, कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। बात समझ में आएगी, ठीक है। तो यानी कि हमने कहा कि अगर इस तरह के सवालों में हम लोग कमीशन रेट अगर बराबर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कमीशन रेट अगर बराबर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इन पे अलग अलग कमीशन लें, अलग अलग धनराशियों पे कमीशन लें, या तो धनराशियों को एक साथ जोड़ करके कमीशन ले लें, टोटल कमीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ये जो सवाल था इसी पैटर्न पे था, मैं फिर से एक बार सवाल आपको दिखाता हूँ और उस पे अब करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए ये था, ये सवाल था, ठीक। अगर हम कह रहे हैं कि 20,000 तक पे उसने जो कमीशन लिया है दोस्तों वो 9.25%, ठीक है, इससे अधिक पे 9.25% तो रहेगा प्लस 0.75% और हो जाएगा, यानी कि यहाँ टोटल कमीशन कितना हो जाएगा एडिशनल एक्स पे, 10%। तो हमने कहा कि इसको भी 10% कर दो, 10% करने के लिए देखिए इतना कमीशन तो पहले से मिल चुका, इतना पहले से मिल चुका, तो जो एडिशनल कमीशन मिला है इसका उतना परसेंट देख लें, एडिशनल कमीशन इसका और दे दें, इसका एडिशनल कमीशन कितना होगा, 75 × 150 होगा। तो हमने कहा 150 रुपए कमीशन इसका बढ़ा दो, अगर 150 रुपए कमीशन बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी ये 0.75 हो गया, यानी ये भी 10% हो गया और ये भी 10% हो गया, ठीक है। तो अब अगर ये कमीशन बढ़ाया है तो उसका कमीशन इतने रुपए बढ़ जाएगा, इतने रुपए अगर कमीशन बढ़ जाएगा तो उसका कमीशन हो कितना जाएगा, 6,320 रुपए हो जाएगा। अब 6,320 जब कमीशन है तो टोटल पे उसने कितना लिया, 10% लिया,
यानी कि 10% के बराबर हो जाएगा, और 100% निकाल देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 6630 रुपये। आप बताइए आप लोग को एकदम भाई कॉन्सेप्ट चीजें समझ में आई कि नहीं आई, अगर समझ में आई है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आदर्श मोहित कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, सोनी पाल जय हिंद, आकाश कुमार वर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, किसी ने कहा था दोबारा बताने के लिए, पारुल मिश्रा ने कहा था दोबारा बताने के लिए, ठीक दोबारा बता दिया भाई, समझ आ गया सबको। अब देखिए गुंजन शर्मा जी ने बताया कि मैं बिहार से हूँ, आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपसे बस एक ही बात की गुजारिश है कि आप बिहार में भी लोगों को बताएं कि वो देखें, ठीक है, और वो भी लाभ उठाएं, अगर अच्छा पढ़ाते हैं अच्छी चीज़ें अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा सबको मिलना चाहिए, जो कि ये निःशुल्क है आप सबके लिए, ये हमारी बाराबंकी जीनियस कोचिंग की तरफ से आप सभी के लिए निःशुल्क क्लासेस होंगे, ठीक है, और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग का भी दायित्व तो बनता है कि हम लोगों के लिए भी आप थोड़ा सा करें, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कमेंट के थ्रू बताते रहें, अभी देखिए भाई कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, भाई कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है, और अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा चेंज हुआ, उससे थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, इसको भी बहुत आसानी से हम लोग कर सकेंगे, ठीक है, एक बार प्रयास करिए। शुभम सिंह वेरी गुड मॉर्निंग, पारुल जी ने बताया आ गया, बहुत अच्छा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, ठीक है, 7% कमीशन देती, यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3000 रुपये देती और 10000 से ज्यादा बिक्री पर 4% कमीशन देती तो विक्रेता को 800 रुपये ज्यादा मिलती। याद करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की, ठीक है, अब ये बात ध्यान देने योग्य है ये, ठीक है, ये 800 रुपये ज्यादा। इंग्लिश में देख लीजिए लिखा है, अ कंपनी अलाउज 7% कमीशन ऑन द टोटल सेल इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स्ड सैलरी ऑफ ₹3000 एंड 4% कमीशन ऑन द सेल मोर देन 10000 then the salesman gets ₹800 more, find the total sale made by the salesman, ये बताना है, ठीक है। चलिए भाई प्रयास करिए सब लोग, सीओ ने बताया है 6000 आंसर इसमें आएगा, 60000 बताया इन्होंने, ठीक है चलिए देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान सा सवाल है ये, बस इसके लिए भी थोड़ा सा देखना है, ठीक है, थोड़ी सी एक बात देखनी है, देख लीजिए इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको हल, ठीक है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं हम लोग, देखिए अगर हम कहें कि हमने 10000 पे 5% कमीशन लिया, ठीक है, और 10000 पे 7% देते, ठीक है, 10000 पे 5% कमीशन लिया, 10000 पे 7% कमीशन लिया, तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें 500 रुपये मिलेगा और यहाँ पर बात करें तो 700 रुपये मिलेगा कमीशन, ठीक। अब अगर हम कहें कि इन दोनों को जोड़ दो 7, 5, 12%, ठीक, यानी कि अगर 10000 रुपये पे 12% कमीशन दिया जाए तो कमीशन कितना मिलेगा 1200, इन दोनों को जोड़िए देखिए कितना आएगा 1200 ही आएगा, आएगा कि नहीं दोस्तों 1200 आएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखा कि अगर ये जो जिसपे कमीशन काट रहे हैं जिसपे कमीशन ले रहे हैं वो धनराशियां अगर बराबर हैं तो हम इनको जोड़ करके भी इनके कमीशन को निकाल सकते हैं, और अगर कमीशन के अंतर की बात करें तो इनका अंतर ले लो, इनका अंतर कितना है 2%, 2% निकालो तो कितना आ जाएगा 10000 का 2% भाई
₹200, तो आप देखो इनका अंतर भी उतना आ रहा है। ठीक, अब अगर इसी में दे दिया होता कि हमने यहाँ पर एक्स रुपए, यहाँ पर एक्स रुपए बिक्री की, यहाँ 7% कमीशन लिया, यहाँ 5% कमीशन लिया, अब कह रहा है कि हमें ₹200 कम कमीशन मिला। अब जो है पहले से ₹200 कम कमीशन मिलता है, तो आप देख लो तुरंत ये यहाँ पर जो आपका सेल थी, जो बिक्री थी जिसपे कमीशन मिल रहा था, बराबर है। तो आप सीधे देख लो इसका अंतर, अंतर कितना है, 2%, 2% बराबर इतना दिया है, तो आप 100% निकाल देंगे तो आपका वापस ₹10,000 आ जाए। मतलब कि इस पैटर्न पे इस सवाल को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर हम लोग अब क्या कर लें कि दोनों जगह जो धनराशि है उसको बराबर कर लें। तो आइए देखते हैं सवाल में कैसे हम ये काम कर सकते हैं, कैसे हम इसको बराबर कर सकते हैं। सवाल एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ भाई, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, ठीक है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित करती है कि भाई तू ₹3,000 सैलरी ले ले और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन, कहाँ की बिक्री पर, 10,000 की, यानी कि पहले अगर मान लो ₹X बेच रहा था तो इस पे कमीशन कितना दे रहा था, 7,000। अब कह रहा है कि जो सैलरी जब दे रहा है तो कह रहा है 10,000 से ज्यादा जब बेचोगे, ठीक है, यानी उस 10,000 तक नहीं, यानी X-₹10,000 पर उसे मिल रहा है 4% कमीशन और +₹3,000 सैलरी। इस केस में कह रहा है कि ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला पहले से क्या है आपका ₹800 ज्यादा है, ₹800 ज्यादा, यानी यहां से यहां तक अंतर दिया है। ध्यान समझिएगा भाई, यहां से ऊपर से नीचे तक का अंतर दिया है। अब अगर ये वाला अमाउंट जो है, ये वाला ध्यान समझिएगा भाई, ये अमाउंट जो है ये अगर हम बराबर कर लें दोनों जगह तो हमको डायरेक्ट पता है कि अंतर पे अंतर मिल जाए। बोलिए भाई, मिल जाएगा कि नहीं। ठीक, तो अगर इसने कहा कि यहां पर इस 10,000 पे, इस वाले ₹10,000 पे उसने कमीशन नहीं दी, ठीक, 10,000 के बाद दिया, तो अगर हम इस 10,000 का 4% कमीशन दे दें तो कितना होगा, ₹400, ₹400 कमीशन और हो जाएगा। अगर ₹400 कमीशन और दे दें, यानी कि इसने इस टोटल पे कमीशन ले लिया, ठीक है, और ये दोनों जगह एक्स एक्स बराबर हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि अभी ₹800 प्रॉफिट है और ₹400 कमीशन और मिल जाएगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, ₹1,200 प्रॉफिट, यानी कि अब जो कंडीशन है उसकी वो पहले से क्या है, ₹1,200 ज्यादा, अब वाली जो कंडीशन है वो पहले से ₹1,200 ज्यादा है। ठीक, अब देखिए भाई, ₹1,200 ज्यादा तब है जब यहाँ सैलरी ही भी मिल रही है, और सैलरी का जिक्र भाई इसमें तो हम लोगों ने किया नहीं, यानी कि सैलरी को यहां से हटा दें। अगर ये सैलरी ना मिलती 3,000, अभी तो ₹1,200 प्लस में है, और अगर ये ₹3,000 ना मिलता तो ये माइनस में पहुंच जाता तुरंत, कितने माइनस में पहुंचता, ₹1,800 माइनस में पहुंच जाता मेरे भाई, 1,800 माइनस में पहुंचता। क्यों पहुंचता, क्योंकि अब इसने टोटल एक्स पे कमीशन लिया 7%, यहाँ एक्स पे कमीशन लिया 4%, ठीक, कितना लिया दोस्तों, यहाँ पे एक्स पे उसने कमीशन लिया 4% और यहाँ एक्स पे लिया 7%, तो कितना कम हो गया, 2%, यानी कि जब कमीशन आपका प्रतिशत में कम हुआ तो, ठीक है, तो एक्चुअल में कितना कम हुआ, 1,800, यानी हम कह सकते हैं 2% की वैल्यू कितनी है आपकी, 1,800, ठीक है, 1,800, तो आप यहां से 100%, ठीक, क्या निकाल दें, 100%। ये सवाल का सिस्टम एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। अभय सिंह सर अच्छा करते हैं कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहता है तो सही रहता है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे भी कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल ही रहे। यूपीपी, जय हिंद। अमृता, वेरी गुड मॉर्निंग। अमिता वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। अभय सिंह, राधे राधे, जय हिंद। मोहम्मद,
सुहेल, वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो एक बार फिर से देखते हैं सवाल को हम लोग, ठीक है? एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है? जैसे हमने कहा कि टोटल पहले एक्स रुपए था, इस पे उसने कमीशन काटा 7%, और फिर कह रहा है यहाँ पर जो 10,000 देती है और 10,000 से ज्यादा बिक्री पर 4%, यानी कि 10,000 तक पे कुछ नहीं। 10,000 से ज्यादा टोटल अगर एक्स थी तो एक्स माइनस 10,000 पे उसने 4% कमीशन दिया, ठीक है? कितना दिया? 4% कमीशन दिया। देखिए इसमें थोड़ा सा पीछे वाले में हमने एक जगह पर शायद गलती करी थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2% नहीं था भाई, ये 2 नहीं था, ये 3% था, ठीक? 3% था, तो आपका 60,000 नहीं चला, ठीक है? कितना था? 60,000। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ठीक है? हमने कहा कि एक्स परसेंट पे, एक्स रुपए पे 7%, और 10,000 से अधिक, मतलब 10,000 तक पर कुछ नहीं, उससे ज्यादा जो बचा उस पे 4%, और प्लस यहाँ 3,000 रुपये सैलरी दे दी, ठीक? इस कंडीशन में ये 800 रुपये प्लस में है। हमने कहा कि इस 10,000 पे अगर और कमीशन दे दिया जाए, हमने कहा इस 10,000 पे 4% और दे दिया जाए, तो इसका 4% कितना हो जाएगा भाई? 400 रुपये। यानी अब अगर 400 और दे दें तो ये 10,000 की जो केमिस्ट्री थी खत्म हो जाएगी, यानी कि अब उसको 400 रुपये और मिल गए, ठीक? तो अभी प्लस में कितना हो गया? 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये प्लस में, अब यहाँ तो बात समझ में आती है, लेकिन इसने कहा 3,000 रुपये, ये 3,000 रुपये सैलरी जो दी है उस सैलरी को यहाँ पर तो डिस्कस किया नहीं है पहली कंडीशन में, तो दूसरी वाली कंडीशन से भी सैलरी हटा दें। अगर सैलरी हटा देंगे 3,000, तो भाई ये माइनस में पहुंच जाएगा तुरंत, कितना? 1,800। यानी कि अब उसे 1,800 रुपये का नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रतिशत में भी नुकसान है, कितना? 3% का, ठीक? यानी कि हम कह सकते हैं अब ये 3% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? कितनी आ गई? 1,800। तो आप यहां से निकाल लो 100% पर आ रहे हैं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 1,800 × 100/3 × 18, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो आपका कितना होगा? 60,000 आंसर होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। देखिए टीएन गुप्ता, जय हिंद जय हिंद। यदि वंचित छोरा, 3 कम हुआ? हाँ दोस्त, 3 कम हुआ, मैंने सही करा दिया, पहले 2 ही लिखा था। आशीष जी बिल्कुल 3, हाँ 3 ही, 3 3 3, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। आइए चलते हैं, इसी तरह का कुछ अगला सवाल हो सकता है, शायद हो जाए। आओ देखते हैं भाई अगला सवाल इस तरह का क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, और आप लोग लगाएंगे इसको। देखिए मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ। अ कंपनी अलाउज 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड, इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स सैलरी ऑफ रुपी 4,000 एंड 3% कमीशन, पहले 9 था अब 3, ऑन द सेल मोर देन रुपी 10,000, then the salesman get rupees 700 more, find the total sale made by the salesman। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, यदि वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपये देती है और 10,000 से ज्यादा बिक्री पर 3% कमीशन देती है, तो उसे 700 रुपये ज्यादा प्राप्त होते हैं। क्या होता है? 700 रुपये ज्यादा प्राप्त होते हैं, तो उसने कुल कितनी बिक्री की ये बतानी है। चलो बताओ भाई। अमृता वर्मा, डी इज राइट आंसर, ओके। चलिए इस सवाल का बताइए आंसर, इसमें क्या राइट होगा, चलिए बताएं भाई फटाफट। देखते हैं भाई फटाफट। और देखिए भाई अभी संख्या बहुत कम है, उत्साह कम दिख रहा है आप लोगों का, शायद सवाल कुछ ज्यादा बड़े हो रहे हैं, लेकिन करने का तरीका तो बहुत छोटा बता रहा हूँ ना मैं। देखिए बड़े बड़े सवाल, कितना भी बड़ा सवाल हो, इनको बाई कॉन्सेप्ट, बाई रूल, बाई सिस्टम आप उनको छोटा कर सकते हैं, ठीक है? तो वही करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर,
और अगर बात आपको समझ आ रही है, मजा आ रहा है, तो आप आगे लोगों को शेयर करते रहें, जोड़ते रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें, ठीक है भाई। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो इसी तरह के सवालों में हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे और निश्चित तौर पे कुछ अच्छा कर सकते, ठीक है भाई। चलिए तो बताओ भाई, सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया था इस सवाल का? देखिए इसी बीच आंसर भी आने लगे हैं। यदुवंशी छोरा ने बताया सी मुकुल 50,000, आशीष कुमार यादव बी, ठीक है। आशीष जी एक बार सफिशियंट है आपका आंसर देना, आप बार बार आंसर ना दें तो ठीक है, बार बार आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। अनुज सिंह 50, ठीक है। देखिए भाई क्या आप लोगों को आवाज वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, नेटवर्क की वजह से फ्लैक्चुएट हो गया नेटवर्क थोड़ा सा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम, सर नेटवर्क प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग आलोक कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए कोई नहीं, अभी आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी सही हो रहा है, ठीक है, अभी देखिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताएं भाई। अब तो प्रॉब्लम नहीं, आवाज़ वगैरह प्रॉपर मिल रही है, क्वेश्चन हमारे चले गए हैं कहीं नेटवर्क की वजह से, ढूंढ कर लाते हैं फिर से कहाँ गए। आ जा भाई, क्वेश्चन नंबर विजय, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई बताएं भाई फटाफट, सब लोगों को आवाज़ वगैरह आ रही कि नहीं आ रही अभी? ठीक है, हाँ उम्मीद है आ रही होगी। ठीक तो चलते हैं देखते हैं। देखते हैं वैसे देखते वैसे पढ़ा हुआ क्वेश्चन नंबर। कहाँ गया मेरा सवाल? आ जा भाई, सवाल बता यार कौन सा था। ए इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर सवाल था। अच्छा तो मिल गया, ठीक ये था। चलो भाई देखो ये आपका सवाल आया, ये सवाल है आपका। देखिए 5,000 राइट आंसर, मोहित यस सर सही है, अमृता वर्मा ने बताया। चलिए भाई बताएं, चलिए देखिए आप लोगों को क्या ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपर वे में? बताएं भाई, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई थी और बस आ गए, फिर से हम लोग आ गए। देखिए क्या आप लोगों को ये दिख रहा है प्रॉपर वे में, क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आवाज वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सब लोग बता दें भाई एक बार कमेंट के थ्रू, सब लोग बता दें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सब आ रहा है, चलो भाई तो इस सवाल को देखते हैं भाई। देखिए आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करते जाएं आप लोग, ठीक है, ऐसे ही आप लोग आंसर करते चले। आपका सवाल ये है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, मैं आपको इसका हल बता, देखा जाए। चलिए भाई देखते हैं। देखिए इसने कहा 9% कमीशन देती है, यदि विक्रेता को 4,000 रुपये निर्धारित कर देते हैं और 10,000 से ऊपर पे, ठीक है, तो अब ये अभी इस कंडीशन में +700 होता है। देखिए बता रहे हैं भाई कुछ शायद देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं सही कर ले रहा हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए अब शायद सही दिखेगा आपने को। तो भाई देखिए
ये कलर भी शायद कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, कितना ही साल से ठीक। देखिए इसने कहा कि अभी प्लस में कितना है, 700 रुपये। ठीक, तब जब एक्स परसेंट पे, एक्स रुपए पे मान लो टोटल बिक्री एक्स है, उस पे 9%, और फिर एक्स माइनस 10,000 पे, एक्स माइनस 10,000 पे कमीशन कितना है दोस्तों इसका, 3% कमीशन, प्लस 4,000 रुपये। ठीक, प्लस 4,000 रुपये सैलरी। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जब कमीशन नहीं दे रहा है तो यहाँ पर इस पे 3% कमीशन दिला दो, इसका 3% कितना होगा, 300। 300 कमीशन मिलेगा तो 300 रुपये और ज्यादा कमाएगा, यानी कि अभी प्लस में होगा कितना, 1,000 रुपये। कितना प्लस में होगा दोस्तों, 1,000 रुपये। अब उसके बाद बात आती है कि अगर इसको ये 4,000 सैलरी ना दी जाए, 4,000 सैलरी ना दी जाए तो ये माइनस में पहुंच जाएगा कितना, 3,000। और ये 3,000 माइनस में कब पहुंचेगा, जब यहां पर भी माइनस में हो जाएगा कितना, 9% से 3% पे टिक जाएगा, तो कितना माइनस हो रहा है, 6%। यानी आप कह सकते हो 6% की वैल्यू 3,000 है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 3,000 × 100/6 = 35, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 50,000 आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने सही आंसर किया था भाई, सी आंसर सही था सबका, है ना। हैप्पी के राधे राधे। सचिन, यस सर यस सर यस सर, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए ये जैसे अभी बता रहे थे, ये टॉपिक कम समझ आता था, नेटवर्क प्रॉब्लम, उन्होंने बताया सर ये टॉपिक समझ नहीं आता ज्यादा, संध्या चौबे ने बताया। ठीक है, तो अभी बताया आपको, क्या ये सवाल समझ आए कि नहीं आए, और इसी टाइप का अगर अगला सवाल दिया जाए तो क्या आप कर पाओगे, उम्मीद है बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए, और टारगेट ये है कि इस तरह के जितने भी छोटे छोटे चेंजेस वाले जितने भी सवाल होंगे वो आप लोगों को सारे करा दिए जाएंगे, और सब पे प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी, जिससे कि आराम से आप इस तरह के सवालों में फिर बाद में ये कहने का ना रहे कि अरे यार ये सवाल थोड़ा सा टफ है, ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको बहुत आसानी से करने के तरीकों के साथ में हम लोग आपस में मिलेंगे। ठीक है, चलिए। अ कंपनी अलाउज 11% कमीशन ऑन द टोटल सेल इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स सैलरी ऑफ रुपी 8,200 एंड 5% कमीशन ऑन द सेल मोर देन द रुपी 20,000, देन द सेल्समैन गेट रुपी 1,200 मोर, फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन। बताओ भाई फटाफट बताइए सब लोग, देखते हैं, बताइए भाई देखते हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं, और बताओ भाई ये सवाल अगर आया समझ में तो ठीक, नहीं तो फिर बताइए दूसरे तरीके से बताया जाए। ठीक है, अभी तक जैसे हमने जो तरीका इस्तेमाल किया है वो निश्चित तौर पे एक जैसे कह सकते हैं कि एक छोटा तरीका होना चाहिए, वही छोटा तरीका इस्तेमाल किया है और छोटा करने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया तो फटाक से इसके आंसर के साथ साथ ये भी बताते चलें कि आपको सब कुछ समझ में आ गया प्रॉपर वे। चलिए भाई बताएं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 11% कमीशन, कुल बिक्री पर 11% कमीशन देती है, यदि वह विक्रेता को निर्धारित 8,200 रुपये देती है और 20,000 रुपये से ज्यादा बिक्री पर 5% कमीशन देती है तो विक्रेता को 1,200 रुपये ज्यादा मिलते हैं, ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। तो देखिए मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, सचिन सिंह राठौर बता रहे दूसरे तरीके से, बताओ अभी बताएंगे दूसरे तरीके से भी, याला तरीका एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, यदुवंशी छोरा सी ऑप्शन आया है आपका, सचिन सिंह सी, आशीष कुमार यादव सी, बहुत बढ़िया। ठीक चलिए, तो देखते हैं भाई सी आएगा क्या आएगा। ठीक है, तो इसने देखिए पहले 11% थी, अब इधर उधर दुनियादारी लिखने से अच्छा है कि सीधे हम लोग सवाल लिखते हैं। ठीक है, 11% कमीशन था, फिर
दूसरी बार में कमीशन कितना हो गया? ओम नमः शिवाय, 5% कमीशन, 5%। लेकिन यहां पर कह रहा है इस वाले कंडीशन में किसने 20,000 पर ये 5% कमीशन नहीं दिया, दे डालो 20,000 पे 5%, 20,000 था ना भाई, और 20,000 से अधिक, ठीक, तो इसका 20,000 का 5% कितना होगा भाई, 20, 25, 100, 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये। ये अभी तक 1,200 रुपये प्लस में था, अगर 20,000 पे कमीशन 1,000 और मिल गया तो अब ये प्लस कितना हो जाएगा, 2,200 रुपये प्लस, ठीक। लेकिन 2,200 रुपये प्लस में तब है जब 8,200 उसको सैलरी मिलती है, अगर ये सैलरी ना मिले, 8,200 सैलरी ना मिले तो ये प्लस पे कितना था, तब तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, कितना माइनस में हो जाएगा, आप कहोगे भाई 6,000 रुपये माइनस, ठीक, 6,000 रुपये माइनस में क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में भी तो माइनस में है, कितना, 6%, यानी कि हम कह सकते हैं 6% की वैल्यू हमको मिल गई 6,000 रुपये, 6% की वैल्यू 6,000, तो आपको बताना है 100% की वैल्यू 100,000, यानी कि 1,00,000 है सर, होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, ठीक सचिन, आप देखो क्या ये समझ आया, एक आध सवाल और देख लेते हैं सर, कम समझ आया, शैलेंद्र सिंह ने बताया, चलो एक आध सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं इस पर, ये एक सवाल उसी तरह का है, देख लेते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, ठीक है, एक विक्रेता को 3,000 तक की बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है और उससे ज्यादा की बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है, जनवरी के महीने में उसने कुल इतने रुपए की बिक्री पर इतने रुपए कमाए और फरवरी में इतने रुपए की बिक्री पर इतने रुपए कमाए, तो ए और बी का मान ज्ञात, इसमें तो कुछ बस खाली भौकाल मार दिया इस सवाल ने, कुछ नहीं था भाई मेरे सवाल में, देखिए अगर हम बात करें, कह रहा है कि उसने जनवरी महीने में कुल 7,000 रुपए की बिक्री की, 960 रुपए कमाए, तो 960 रुपए कमाए, ठीक है, एक विक्रेता को 3,000 रुपए तक की बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है और उससे ज्यादा की बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है जनवरी तक, ये हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है सवाल को, एक बार जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि पहले वाले सवाल को समझा दिया जाए उसके बाद ये किया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा है 3,000 तक पे उसको 1% कमीशन मिलता है, ठीक है, और कह रहा है कि 7 और उससे ज्यादा पे 20%, यानी कि उसमें मिला है 7,000 रुपये में क्या करेंगे 3,000 प्लस 4,000, ठीक है, यहां से टोटल उसने कमाया यहां पर 1% और यहां से उसने 20% कमीशन काटा है तो उसे 960 रुपये कमी हुई, ठीक है, इसी तरह से यहां पर कह रहा कि 8,000 रुपये की बिक्री पर कुल, ठीक है, यानी कि 8,000 में भी 3,000 तो फिक्स है, इस पे आपको 1% मिला होगा और 5,000 पे उसको मिला है 20%, कितना परसेंट, 20%, ठीक, तो अब इसने कमाया है यहाँ पर 1,100, ये सवाल है पिछले कॉन्सेप्ट पे ही सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है, एक बार देखें आप लोग फिर बताते हैं आपको, देखिए क्या कोई आंसर बता सकता है इस सवाल का, सर न्यू टॉपिक कब से स्टार्ट करेंगे, उम्मीद है कल से नया टॉपिक संध्या जी स्टार्ट हो जाएगा, नया टॉपिक कल से स्टार्ट कर देंगे,
और अगर आप लोगों को चाहिए, देखिए अभी तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, सवाल आपके जवाब हमारे एक सिस्टम चल रहा है कि आपने सवाल पूछा, उस सवालों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि ये जो सिस्टम है इसको फिर से एक बार शुरुआत से पढ़ा दिया जाए, तो निश्चित तौर पे पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से लेकर के जीरो लेवल से हम स्टार्ट करके आपको पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। चाय की चुस्की के साथ मजा आता हुआ। देखिए यशी श्रीवास्तव ने बताया इसका आंसर सी। चलो भाई देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हमने आपको एक बात बताई थी कि जब ये बराबर है, कमीशन रेट बराबर है दोनों, ठीक है। तो अगर टोटल कमीशन की बात करता तो इन टोटल को इनको टोटल कर लेते, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको टोटल कर लो या तो फिर इनके डिफरेंस को कर लो। तो आप देखो कि यहाँ पांच चार अगर टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 9000, और इसको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 900 और 1100, 2060 रुपए, यानी कि आप कह सकते हो 2060 रुपए जो मिला है वो कहाँ से मिला है, 9000 से मिला है। कहाँ से, 9000 से गुणे 100, ठीक है। तो ये दो जीरो खत्म, इससे ये खत्म, 9 × 2 = 18, 6 × 2 = 8, ये परफेक्ट कट मेरा चार, कितना था भाई यहाँ पर टोटल, यहाँ पर 7000 था तो 3 + 4, और यहाँ 8000 है 3 + 5, ठीक है। अच्छा हाँ, ये टोटल नहीं कर सकते भाई, ये टोटल नहीं कर सकते, इनका डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस लेकर के करना होगा भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक सेकंड बताए। देखिए यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे भाई ये ज़्यादा है 40 और 100, 140, 140 रुपए ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर धनराशि भी ज्यादा हो गई, कितनी, 1000, यानी ये 140 रुपए जो मिला है वो 1000 से मिला है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 14%, यानी जो पी की वैल्यू है, ठीक है, वो 14% आएगी, क्लियर। और एक ही ऑप्शन में 14%। काजल काजल सर नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम मेरे यहाँ से है कि आपके यहाँ से है, बाकी लोग बताएं भाई क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है आप लोगों को भी, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा यहाँ पर, मुझे तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं लग रही है भाई। मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप लोग बताएं भाई क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, वैसे भी समय भी हो रहा है। चलिए तो एक काम करते हैं कि ये सारे सवाल को आप लोग होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। और करने का देखिए मैंने काफी हद तक तो बता दिया है आपको, काफी हद तक इस सवाल को मैंने डिस्कस कर दिया है, बाकी बचा भाग अभी देखते हैं, इसके बाद वाले सेशन में करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। आपका सवाल है, एक विक्रेता को 3000 तक की बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है और उससे ज्यादा की बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है। जनवरी के महीने में उसने कुल 7000 रुपए की बिक्री की, इतने कमाए, और फरवरी में 8000 की बिक्री की, इतने कमाए, तो उसे ए और बी का मान ज्ञात। एक तो आपको याद रखना 7000 में ए और बी दोनों है और 8000 में भी ए और बी दोनों, इसको ध्यान में रखते हुए सवाल को लगाना है, ठीक। लगा करके अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सही कर करके फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है। इससे पहले अभी संतोष सर की क्लास होगी आपके, ठीक है, उसकी क्लास के बाद फिर हम मिलेंगे अपने नेटवर्क को सही करके। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।